हेलो आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं तो पहले इसको समझ लीजिए ये जेडजेड डैश एक पृष्ठ है इसके ऊपर अलग माध्यम है जैसे मान लीजिए वायु है और इसके नीचे दूसरा माध्यम है जैसे जल मान लीजिए यानी जो जल का सबसे ऊपरी पृष्ठ है जेडजेड डैश यह है दो माध्यमों को दो पारदर्शी माध्यमों को अलग करता है वायु और जल को तो ये जो जेड जेड डैश पृष्ठ इसको कहते हैं दो पारदर्शी माध्यमों का अंतरापृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ अब अपवर्तन अपवर्तन प्रकाश के की, की परिभाषा समझते हैं जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं तो ये देखा गया कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है यानी इसको जैसे अब यहाँ पर दिखाया गया ये प्रकाश किरण सीधे ना जाकर इधर को झुक गई है अब अपवर्तन के नियम तो अपवर्तन के नियम पहले पढ़ने से पहले इसको समझ लेते हैं यहाँ पर वो एक प्रकाश स्रोत है और ओ से चलने वाली ये प्रकाश किरण दिखाई गई है इसको कहते हैं आपतित प्रकाश किरण जो पहले माध्यम में चलती है और यह अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर टकराती है तो ए पर ऊपर की ओर अविलंबत रेखा और नीचे की ओर अविलंबत रेखा ये दोनों माध्यमों में अभिलंब कहलाते हैं अब ये जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में दिखाई गई इसको कहते हैं अपवर्तित प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाते हैं उसको आपतन कोण कहते हैं अपवर्तित प्रकाश किरण जो अविलंब के साथ कोण बनाते हैं उसको अपवर्तन कोण कहते हैं अब नियम सुनिए आप इसके अपवर्तन के नियम तो पहला नियम है आपतित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तो ये लिखा हुआ है। आपतित किरण अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और दूसरा पॉइंट, ये दूसरा समझिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के किसी एक रंग के लिए प्रकाश श्वेत प्रकाश में सात रंग होते हैं तो किसी एक रंग के लिए आपतन कोण की जिया यानी साइनाई और अपवर्तन कोण की अर्थात साइनार का अनुपात अनुपात नियतांक होता है और इसको हम लोग लिखते हैं साइनाई बटे साइनार बराबर नियतांक और वन टू से लिखा जाता है वन एन टू को कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी जहां से प्रकाश किरण चले उस माध्यम के सापेक्ष जिस माध्यम में पहुंचे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है और इसको हम लोग कहते हैं स्नैल का नियम अब अपवर्तनांक क्या है उसको समझते हैं तो अपवर्तनांक दो माध्यमों का आपेक्षिक गुण है अर्थात अगर माध्यम बदल जाएंगे तो अपवर्तनांक बदल जाएगा अगर एक माध्यम जैसे यहां पर वायु और जल है तो जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कुछ आएगा और यदि यहां पर कांच हो जाता तो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष बदल जाता तो माध्यम बदलने पर अपवर्तनांक बदल जाते हैं इसलिए यह दो माध्यमों का अपेक्षिक गुण कहलाता है अब किसी माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है अगर प्रकाश किरण वायु से चली है तो जिस माध्यम में पहुंचेगी उस माध्यम के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक को कहते हैं उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं एन से एन से या एन से या जैसे ए लिखा गया ए एन का मतलब है कि प्रकाश किरण वायु से चली और कांच में पहुंची है तो इसको वह बोलेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या केवल कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक इसी तरह से यहाँ वायु से प्रकाश किरण चलकर जल में गई है तो इसको कहेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या केवल जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक फिर अब अब प्रकाश किरण एक, एक किसी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है जिनके निरपेक्ष अपोर्तना एन वन वायन टू हो तो वन एन टू को हम लोग लिखते हैं एन टू बटे एन वन अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो दूसरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक जहां प्रकाश किरण पहुंचती है बटे पहले का जहां पर जहां से चलती है प्रकाश किरण उसके निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है तो एन टू बटे एन वन अब अपर्तनांग का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि दोनों आपेक्षिक गुण हैं इसलिए इनका कोई मात्रक नहीं होता ये हाइगेंस के अनुसार एक वैज्ञानिक हाइगेंस थे उन्होंने बताया कि ये जो प्रकाश प्रकाश की चाल किसी एक माध्यम में और दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो वहां पर चाल बदल जाती है तो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात नियत रहता है और उस नियतांक को कहते हैं वन एन टू यानी पहले माध्यम माध्यम के एक दूसरे का अपवर्तनांक कहा जाता है तो ये हाइगेंस ने बताया था वो स्नेल ने बताया था ये हाइगेंस ने तो यहाँ पर वन एंड टू को हम लोग वी वन बटे वी टू से भी लिख सकते हैं जहां वी वन पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है और दूसरे वी टू दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है किसी पारदर्शी माध्यम में अगर हमें प्रकाश की चाल ज्ञात करनी हो तो v बराबर सी बटे यन लिख देते हैं सी वायु में प्रकाश की चाल है और यन उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है हमेशा एक से बड़ा होता है इसलिए जो v किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वायु में प्रकाश की चाल थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड से हमेशा कम होती है अब अगर हमें इसी तरह से आ, यहां पर अगर हम जल में प्रकाश की चाल निकालना चाहें तो जल में प्रकाश की चाल बराबर होता है प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल बटे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कांच में अगर निकालना चाहें तो आ जाएगा वीजी बराबर यानी कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक तो इन फार्मूलों से हम लोग उन माध्यमों में प्रकाश की चाल ज्ञात कर लेते हैं और यहाँ समझ लीजिए हम लोग लिखते हैं आई बटे साइन आर बराबर क्या है दूसरे माध्यम का निरपेक्षर अर्थात आपतन कोण बड़ा होगा और अपवर्तन कोण छोटा होगा अर्थात प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी जब पहले माध्यम से दूसरे में जाएगी तो याद रखना है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब सघन माध्यम से हाँ सघन से जब बैरल में जाती है तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हो जाती है और याद रखना है कि अपौरतनांग जो है वो पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो पदार्थ उस माध्यम के पारदर्शी माध्यम के ताप पर भी निर्भर करता है यदि ताप बढ़ जाता है तो अपवर्तनांक घट जाता है और ताप अगर घट जाता है तो अपवर्तनांक बढ़ जाता है